महाराजगंज जनपद में शाहू सामाजिक संगठन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती देश प्रेम की आस्था के साथ मनाई गई, जिसमें सामाजिक चिंतक मंथन तथा शाहू समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरणादायी जनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी गुप्ता जी के प्रोप्राइटर सेंड एड्रयूज स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर एवं विशिष्ट अतिथि जी के गुप्ता महामंत्री शाहू तैलिक कल्याण समिति गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महात्मा गांधी जी का जो विचार और सोच था, उसी विचार और सोच को हम लोग अपने साहू समाज में लाना चाहते हैं कि साहू समाज भी जिस विचार और सोच के तत्वावधान में वो देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़े थे, आज हमारे साहू समाज के लोग भी उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी उपलक्ष्य में एक आज 2 अक्टूबर को साहू समाज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को भी सम्मानित किया गया है तथा अपने समाज के बहुत पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियों ने ज़्यादा जो टॉप किया है बोर्ड में, उनको भी सम्मानित करने का साहू समाज ने काम किया है। और इसी मैसेज के साथ हम लोग और समाज के लोगों में भी ये मैसेज देना चाहते हैं, ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि समाज के लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ संगठित हों और संगठित हो करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। गांधी जी का ऐसा विचार जिससे साहू समाज प्रेरित हुआ? हाँ, गांधी जी का जो विचार था उससे साहू समाज प्रेरित हो रहा है, क्योंकि उस समय जब उन्होंने आज़ादी के समय जो उन्होंने योगदान दिया था और उनके पास कहीं कोई ऐसा वेपन्स नहीं था, फिर भी अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने सोच से सभी को, अंग्रेज़ों को उन्होंने हराया और अब देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। साहू समाज राजनीति में कितना आगे है? इसी आज ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने सोच और विचार को पूरे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया है, इसी तरीके से हमारे बीच के कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ भामाशाह लोग हैं, वो लोग आगे आकर के साहू समाज में राजनीति में योगदान दे रहे हैं और राजनीति में लड़ने के लिए तैयार हैं। आज सिसवा विधानसभा से आदरणीय गौरी शंकर जी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो पूरा साहू समाज उनके साथ रहेगा और तन मन धन से उनके लिए समर्पित रहेगा। श्री गौरी शंकर गुप्ता जी एक सेना के जवान भी रहे हैं, तो क्या एक सेना को टिकट देने में साहू समाज आगे आएगा? हाँ, पूरा साहू समाज उनके साथ है, पूरा समाजवादी साहू राठौर उनके साथ है और यहाँ तक ही है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के पास चलेंगे और उनको टिकट दिलाने के लिए हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि वह ऐसे फौजी भी रहे हैं जो उनका कहीं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, इस तरीके से वो समाज के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और समाज के साथ जुड़े हुए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।